देखिए इंस्पेक्टर साहब, आपको गिरफ्तार करना है तो हम सबको गिरफ्तार कीजिए। अरे कौन लोग हैं आप सब? अरे ऐसा प्यार आज भी दुनिया में होता है? पता ही नहीं था। अरे आप मेरे नारियल क्या? सब कुछ लेके जाओ, मैं कंप्लेन नहीं करूंगा। ऐसे लोगों को सजा देंगे तो भगवान को क्या मुंह दिखाएंगे? ओ थैंक यू जी, थैंक यू जी, थैंक यू जी। आप बड़े भले इंसान हो जी। वो आपकी कोई भी गड्डी हो ना, उसको कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, अब मेरे गैराज में ले आना और लाइफ टर्म के लिए एकदम फ्री सर्विस। और आपके जितने भी बच्चे हैं, मतलब जो भी है, मैं शिक्षक हूँ आत्मराम तुकाराम भिड़े, मैं पूरी जिंदगी उनको ट्यूशन फ्री में दे दूंगा। अरे हाँ, और मेरी तरफ से भी 1 किलो अचार और 1 किलो पापड़ आपको फ्री। मैं एक डॉक्टर हूँ, लेकिन भगवान न करे आपको कभी मेरी जरूरत पड़े, लेकिन आप आएंगे तो आपके लिए सब फ्री। और भाई साहब, मेरे इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, आपको जो भी चाहिए फ्री। 2000 तक का सब फ्री। अरे नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, और आप लोग खुशी से अपनी मन्नत पूरी कीजिए। आप जैसे अनोखे भक्त बहुत कम आते हैं। अनोखे? सब सूखे नारी चढ़ाते, आप हरे नारी चढ़ाते हो। अभी क्या करें, मन्नत ही ऐसी थी तो भगवान हरे नारियलों का स्वीकार करना। भगवान हमारे सोटी भाई को सद्बुद्धि देना कि वो कभी भी हमारी गोपालधाम सोसाइटी को छोड़कर जाए नहीं, और हमारी गोपालधाम सोसाइटी पर कभी कोई मुसीबत ना आए। भगवान आपकी सारी इच्छा पूरी करे। और चेड़ा ब्रा, और थैंक यू यारा, थैंक यू। तुसी मेरे वास्ते इतनी मुश्किल मन्नत पूरी की यार। और मैं रब जी से यही अरदास करता हूँ कि मैंने हर जन्म में तो अड़े जैसे ही दोस्त मिले भाई। और मैं भी भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हर जन्म में मुझे पत्नी के रूप में दया ही मिले। थैंक यू। लेकिन भगवान हर जन्म में तेरा दिमाग से वो मन्नत वाला सिम कार्ड निकाल कर तुझे मेरे पास भेजे। सॉरी। ठीक है, अभी हो गई ना मन्नत पूरी, अभी छोड़ सॉरी। नहीं नहीं, ये सॉरी दूसरी बात के लिए है। कौन सी दूसरी बात? वो आपकी ये मन्नत अच्छी तरह से पूरी हो सके, इसलिए मैंने दूसरी मन्नत ली है। क्या? कौन सी? कि आप 21 दिन तक नंगे पैर दुकान जाएंगे। बापूजी। थैंक यू भगवान। बोलो श्री अबे, मां तुकी। जेठालाल, एक बात तो कहनी पड़ेगी कि भाई तुम दया भाभी से प्यार तो बहुत करते हो। अरे सवाल ही नहीं है, और क्यों आज अचानक? आज तुमने साबित जो कर दिया। कैसे? अरे ये पेड़ पे चढ़ने वाली मन्नत पूरी करके किसी भी तरह। अरे भाई, मरता क्या ना करता, नारियल के पेड़ पे चढ़ता। सच में मन्नत पूरी करके ऐसा लग रहा है जैसे मैं हिमालय पहाड़ चढ़ के वापस आया हूँ। लेकिन अभी ऐसे हिमालय बहुत चढ़ने जेठालाल, क्योंकि दया भाभी ये मन्नतें करना बंद नहीं करने वाली। हाँ वो तो है। अच्छा, दया ऐसी मन्नत लेना बंद करे, उसके लिए मैं एक मन्नत ले लूँ? कैसी बात? हाँ, जैसे लोहा लोहे को काटता है, ऐसे मन्नत मन्नत को काटेगी। नहीं नहीं नहीं, ये तुम्हारे साथ ये पॉसिबल नहीं है भाई। क्यों भाई? क्योंकि देखो, भगवान ने इस जन्म में तो तुम्हारी कुंडली के हर घर में सिर्फ टेंशन लिखा, तो भगवान से प्रार्थना करो कि अगले जन्म में कम से कम कुंडली अच्छी दे दे बस। हाँ, क्योंकि अगले 7 जन्म तक बीवी तो दया ही रहने वाली है, कम से कम कुंडली तो बदले। तो इस जन्म में तो ऐसे हंसते रहो, मस्त रहो, और दया भाभी की ऐसी अजीबो गरीब मन्नतें पूरी करते रहो, करते रहो। हो सकता है अगली बार कोई और पेड़ हो। चलो गुड नाइट। चलो चलो। अरे क्या कर रहा पिंकू यार? चल चल चल। ला ला ला। अरे 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 अरे,
जीतेगा भाई जीतेगा, अगड़म जीतेगा, अगड़म बगड़म बम्बे वो अपोजिशन गो गो गो, अगड़म बगड़म बम्बे वो अपोजिशन गो गो गो, जीतेगा भाई जीतेगा, अगड़म जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, अगड़म जीतेगा, अगड़म बगड़म बम्बे वो अपोजिशन गो गो गो, अगड़म बगड़म बम्बे वो अपोजिशन गो गो गो, वोट फॉर मोबाइल, वोट फॉर मोबाइल, वोट फॉर मोबाइल, जीतेगा भाई जीतेगा, वोट फॉर गोगो नाम सोसाइटी के भाइयों और बहनों, आपके चुनावी क्षेत्र से हमारे जनप्रिय उम्मीदवार श्री अगड़म दास जी चुनाव में खड़े हुए हैं। जीप में ठीक से खड़े नहीं हो पा रहे, चुनाव में खड़े हो गए। अरे तालियां बजाओ भाई। हमारे प्यारे नेता श्री अगड़म दास जी आप लोगों के सामने दो शब्द कहेंगे, तालियां। अरे बस करो। हेलो भाषण दीजिए ना सर। अरे आप दीजिए। सॉरी सर। तो मेरे गोकुलधाम वासियों, ये कौन सी भाषा ये? सर उल्टा पकड़ा है। तो भाइयों और बहनों, गोकुलधाम के निवासियों, आज मैं आपसे आपकी सबसे कीमती चीज मांगने आया हूँ। क्या क्या होगी? खुदा जाने। आपके नोट। क्या क्या मैं क्यों दूर? टप्पू के पापा बेचारे कितनी मेहनत से कमाते हैं नोट। अरे नोट नहीं सर, वोट वोट। मजाक मजाक। आपके नोट नहीं वोट। आपके वोट मांगने आया हूँ, वोट। क्या ठीक से पढ़ना भी नहीं आता और देश चलाने निकले? तो आप मेरा चुनाव चिन्ह जानते ही होंगे। मेरा चुनाव चिन्ह है मोबाइल, मोबाइल। अरे सुनो भाई, आप वही हो ना जो पिछले चुनाव में भी आए थे? हाँ बापू जी, ये वही नेता है। पिछली बार इनका चुनावी निशान था टीवी। हाँ हाँ। ओहो, तो अब सीधा टीवी से मोबाइल पे आ गए? हाँ, अगले साल शायद सिम कार्ड होगा, है ना? देखिए टीवी ये हमारी पिछली पार्टी का सिंबल था और अभी हमारे वैचारिक मतभेद है और इसी की वजह से हम उनके साथ नहीं है। वैचारिक मतभेद? भाई पिछली पार्टी ने टिकट नहीं दिया इसलिए दल बदल लिया ना। अरे भाई प्रेस से कोई बात छिपी नहीं है अगड़म दास जी, हम वो है जो दुनिया हिला देते हैं। देखिए हम आपसे आप सबसे वादा करते हैं कि हमारे मोबाइल पर निशान लगाने से आपके जीवन में विकास और समृद्धि की इनकमिंग हो जाएगी और भ्रष्टाचार और गरीबी की आउटगोइंग हो जाएगी। तालियां। वाह, इनकमिंग आउटगोइंग। लेकिन नेताजी आप हमें झूठे वादों का मिस कॉल नहीं दे रहे, उसकी क्या गारंटी है? बराबर बराबर काम भीड़ भाई। बिल्कुल बिल्कुल मिस कॉल ही दे रहे हैं, लेकिन जीवन में कभी किसी को मिस कॉल नहीं देना चाहिए। अरे नहीं दे रहे मिस कॉल भाई, नहीं देंगे मिस कॉल, नहीं देंगे। हमारा विश्वास कीजिए, हम आप गोकुलधाम वासियों से वादा करते हैं कि हमारे मोबाइल पर निशान लगाने से हम आपकी जिंदगी के लिस्ट से महंगाई को ब्लॉक कर देंगे। अगड़म दास जी जिंदाबाद, अगड़म दास जी जिंदाबाद, अगड़म दास जी जिंदाबाद। अच्छा ये बात है तो ठीक है, मैं आपसे वादा करता हूँ कि हमारे सभी गोकुलधाम वासी आपको ही वोट देंगे। लेकिन एक शर्त है। हाँ बोलिए बोलिए, हमें आपकी हर शर्त मंजूर है। मंजूर है। अरे भाई पहले सुन तो लीजिए। जी आप महंगाई हटाने की बात कर रहे हैं ना? जी। तो मुझे ये बताइए कि हमारे देश में महंगाई कितनी है और आप उसे कैसे कम करेंगे? हाँ बताइए। बिल्कुल बताइए। मतलब ये है कि अभी फरसे की सब्जी कितने रुपए पाव है और आपकी सत्ता आने के बाद आप फरसे की
करेला भी। और बताइए करेला लौकी फल इत्यादि के भाव कब कम होंगे? और नेताजी मेरे घर पे चार बार लस्सी बनती है, तो आप मुझे बताइए आप अगर सत्ता में आ गए तो आप दूध का दाम कितना कम करेंगे? और अगड़म बाऊ मैं अचार पापड़ का बिजनेस करती हूँ, तो अचार के लिए मुझे तेल मिर्ची और नमक लगते हैं, उसके दाम पता है आपको? उसका क्या? शाबाश। हाँ हाँ जवाब दीजिए। बोलिए। हाँ बोलिए बोलिए आप बोलिए। और भावी मंत्री जी रोज की जरूरत की चीज चीनी, उसका दाम कब कम होगा? अरे हमारे घर में तो रोज मीठा बनता है, बोलू ना। हाँ सही बात है, मतलब महंगाई इस कदर बढ़ गई है आजकल तो बोलने में भी डर लगता है कि आपके मुंह में घी शक्कर। वाह वाह आदि भाई क्या बात है, सही बात है ना, कितनी महंगाई बढ़ गई है। क्या बात है आदि भाई, वाह। कॉस्मेटिक्स पे ड्यूटी टैक्स कम हो जाएगी, इसके आपके पास क्या गारंटी है? और ये बताइए कि समाज के उन मासूम निर्दोष दीर्घ कुंवारे बिना किसी वजह जिनकी शादी नहीं हो रही ऐसे युवकों के बारे में आप क्या करेंगे? अरे ये सब क्या बात कर रहे हैं भाई? दीर्घ कुंवारे कुटले कुटले शब्द अंटुआ, कुछ तो बोलिए पता तो चले अब क्या करने वाले हैं। अरे कैमरे बोलती बंद। नहीं बताइए बताइए, और ये भी बताइए कि सीनियर सिटीजन को आप क्या क्या सहूलियतें देने वाले हैं? हाँ वो बहुत जरूरी है। और हाँ सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा, शिक्षण व्यवस्था में क्या योजना है आपकी, क्योंकि देश का भविष्य तो शिक्षण पे अवलंबन होता है ना। मैं क्या करूं, इससे पहले कोई और सवाल आए यहाँ से निकल पड़ते हैं, और ये बात फैल गई तो एक भी वोट नहीं मिलेगा। अगड़म जी बोलिए ना। हम आपके सारे सवालों का जवाब देंगे, जरूर देंगे, लेकिन इस वक्त थोड़ा जल्दी में है, अगली बार देंगे। चलो जल्दी जल्दी करो। जय हिंद जय हिंद। देखो 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 ये इन लोगों के पास जब कोई जवाब नहीं होता तो शुरू हो जाते हैं जय हिंद जय हिंद। अरे चलना भाई चलना, जल्दी चल। अरे अगले इलेक्शन तक अगर सारे जवाब मिल जाए तो वापस आ जाना। आप बोलिए जवाब दीजिए। बोलिए ना। आप बोलिए ना, अभी तो आप बोल रहे थे ना ये विकास करेंगे वो विकास करेंगे, क्या हुआ अगड़म भाई? लगता है मोबाइल की बैटरी उतर गई। हां सही बात है, अब कोई जवाब नहीं है आपके पास। अरे क्या हुआ अगड़म जी? देखा देखा एक भी जवाब ले लिया। आ जाते हमें वोट दो, हमें वोट दो। अरे बापूजी, बापूजी आप टेंशन मत लीजिए, गए वो लोग बापूजी। वोट दो भाई। तो फिलहाल मैं जल्दी में हूँ, आपके सवालों का जवाब मैं बाद में देता हूँ। जय हिंद। अगर इसी तरह से सब वोटर्स उम्मीदवारों से सवाल पूछना शुरू करें ना तो कोई गलत उम्मीदवार आ ही नहीं सकता। बराबर कहा बबीता जी, हमें सच्चे और अच्छे उम्मीदवार को ढूंढना होगा। मेरी माँ हमेशा कहती है टोकरी में एक आम खराब निकले उसका मतलब ये नहीं कि सारे आम खराब हो गए। चुनाव में सभी उम्मीदवार एक जैसे नहीं होते। टेटो छे हाँ। दया भाभी माँ ने बिल्कुल ठीक कहा, हर नेता भ्रष्ट नहीं होता, अच्छे नेता भी है जिन्हें लोगों की सेवा करनी है, लोगों के प्रश्नों का हल निकालना है। बस मैं तो ये चाहती हूँ कि ऐसे ही उम्मीदवार को हमें सिलेक्ट करना चाहिए। हाँ ऐसे उम्मीदवार की पार्टी जीतेगी तो ही देश का भला होगा। करेक्ट। बाय द वे हमारी सोसाइटी में तो सिर्फ एक ही पार्टी राज करती आई है और करेगी, हमारी किटी पार्टी। और हमारी किटी पार्टी की प्रेसिडेंट होगी दया भाभी। दया भाभी, दया भाभी, दया भाभी। और इनका चुनाव चिन्ह होगा ताली। अरे गरबा की ताली, गरबा की ताली। इसी बात पे हो जाए ताली। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। ओह थैंक यू, वेलकम। तो
है कि हमारी इस सोसाइटी में चुनाव की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सरकार पहले से ही हमारी है और हमारी ही रहेगी। तो इसलिए जय गोकुलधाम। मैं पूरे देश में चुनाव का क्या माहौल जबरदस्त जमा है। नहीं पूछो मत। दोस्तों, हमारे देश का चुनाव दुनिया की सबसे बड़ी लोकशाही का चुनाव, और इस बार का चुनाव तो ऐतिहासिक है। एक एक सीट के लिए कांटे की टक्कर है। हर पार्टी ने प्रचार में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। भाई पार्टियां हैं तो प्रचार तो करेंगी, लेकिन ये हमें सोचना है कि जो प्रत्याशी हम चुने वो सच्चा और ईमानदार हो। सही बात, बिल्कुल बराबर बोल रहे मेहता सर, लेकिन उसके लिए सबका वोट करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। अरे जेठालाल, इस बार हमें वोटिंग के लिए कहाँ जाना है? वो अपना वो एक चिट्ठी डाल के गया घर पे, उसमें एड्रेस। तेरे घर पे भी डाल के गए होंगे चिट्ठी, देखना ना उसमें है एड्रेस। नहीं मैं तो जानता हूँ जेठालाल, मैं देख रहा था कि तुम्हें जानकारी है कि नहीं। अरे जेठालाल, वोटर आईडी कार्ड तो संभाल कर रखा है ना? हाँ हाँ, होगा घर पे। होगा का क्या मतलब जेठा भाई? मतलब है। फिर ठीक। ये है हमारे देश के पढ़े लिखे नागरिक, गैर जिम्मेदार, जिनको ये तक नहीं मालूम कि अपना वोटर आईडी कार्ड कहाँ रखा हुआ है। किसने बोला मालूम नहीं है भाई? मैंने खुद अपने हाथों से दया को दिए थे सारे वोटर आईडी कार्ड संभाल कर रखने के लिए, तो उसने संभाल कर रखे होंगे ऐसा बोल रहा हूँ, इसलिए होंगे। फिर भी जेठालाल, एक बार घर जाके चेक कर लेना ना कहाँ रखे हुए वोटर आईडी कार्ड। नहीं है, संभल के ही रखे। अच्छा, और जेठा प्रा, और जब वोटर आईडी कार्ड मिल जाए तो पिडू को फोन करके भी बता देना। थोड़ी इलेक्शन के मामले में बिल्कुल मजाक नहीं। हाँ देखिए, मैं आत्मारम तुकारम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी होने के नाते आप सबसे अपील करता हूँ कि वोटिंग वाले दिन अपना प्रथम कर्तव्य समझकर वोट करने के लिए जरूर जरूर जाए। बिल्कुल करेंगे, बराबर बोला ना? बिल्कुल बिल्कुल सही। और हाँ भिड़े, मैं तो कहता हूँ नोटिस बोर्ड पे जो तुम सुविचार लिखते हो उसकी जगह कल ये चुनाव के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लिख दो कि लोग इसको छुट्टी का दिन ना समझें। हाँ, पोलिंग डे के दिन बाहर निकल जाते हैं। नहीं भाई, उस दिन वोट करें, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। और समय का भी कोई बहाना नहीं चल सकता इस बार, क्योंकि पहले तो 8 से 5 तक वोटिंग होती थी, इस बार तो 7 से 6 तक। 2 घंटे एक्स्ट्रा दे दिए चुनाव आयोग ने वोट देने के लिए। वाह। और उसमें भी अगर कोई आदमी 6 बजे तक पोलिंग बूथ पे पहुंच जाए और वहां जाके लाइन में लग जाए तो उसे भी वोट दिलवाया जाएगा, भले ही 7-8 क्यों ना बच जाए। और हाँ, एक वो नोटा वाला पॉइंट भी जरूर लिख देना। मेहता साहब, ये नोट के बारे में आपने क्या कहा? नोट नहीं अब्दुल, नोटा। NOTA, none of the above. हाँ, वो क्या होता है? अब्दुल, जैसे मान लो हमारे क्षेत्र के अंदर 3-4-5 उम्मीदवार खड़े हुए और उनमें से हमें कोई पसंद नहीं, हम किसी को भी वोट नहीं करना चाहते, तो इस बार एक ये सुविधा है कि एक बटन नोटा का है, नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं, आप उस पर बटन दबा सकते। अच्छा, ऐसा भी होता है? मेहता साहब, आपने नोटिस बोर्ड पर लिखने का बहुत कुछ कह दिया भिड़े को, इतना इसको याद नहीं रखा। एक काम करो, एक चिट्ठी में लिख के इसको दे देना और तू सेम टू सेम कॉपी करके नोटिस बोर्ड पर लिख देना। हाँ जेठालाल, ये सारी चीजों की जानकारी है मुझे। चलो अब चलते हैं, जेठालाल को वोटर आईडी कार्ड भी ढूंढना है। सब आ रहे मेरे घर पे मेरा वोटर आईडी कार्ड ढूंढना। अब क्यों आएंगे जेठालाल? तो फिर सबको क्यों बोल रहे हैं आप? चलो चलो चलते हैं, बैठने दो सबको, मैं घर जाकर ढूंढ लूंगा मेरा वोटर आईडी कार्ड। आप मेरे वोटर आईडी कार्ड की चिंता मत करो यार भाई, आप अपने कार्ड की चिंता करो, ठीक है? अरे जेठालाल छोड़ो ना, क्या यार सब लोग ये सबसे पहले चालू हो गया, गैर जिम्मेदार खाली बोल रहे हैं इधर। अरे भाई, ये व्यापारी दोस्तों, इन दिनों देश में चारों तरफ इलेक्शन का माहौल है। जिस तरह से जिंदा रहने के लिए सांसें लेना जरूरी है, ठीक उसी तरह लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए मतदान बहुत जरूरी है।
कल यानी कि 24 तारीख को मुंबई में और देश के बहुत सारे हिस्सों में मतदान होना है, इसलिए अपने अपने घरों से बाहर निकलिए और वोट जरूर दीजिए। अपने क्षेत्र के किसी सच्चे और अच्छे उम्मीदवार को चुनिए और हमारे लोकतंत्र को नजर न लगे इसलिए अपनी उंगली पे काला टीका जरूर लगाइए। अब इस इलेक्शन के माहौल में सुंदर आ रहे हैं, कहिए जेठालाल के लिए कोई नया टेंशन तो नहीं ला रहे हैं भाई? अब ये तो तब पता चलेगा जब आप देखेंगे मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और हाँ, वोट जरूर दीजिए, देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.